अब ये देखिए आपका टेस्ट वाटर कूलेंट का कंप्लीट हो गया है, 2380 आपका आ गया है, सब कुछ हमने ऑफ कर दिया है। अब हम इसको बॉम्ब में से गैस कैसे निकालेंगे, दूसरा टेस्ट कैसे आगे बढ़ेंगे वो देखिए। पहले सेंसर वापसी निकाल लेंगे, ध्यान से इसको रख देंगे, ये स्टेरर को ऐसे ढीला करके ये स्टेरर बाहर आ जाएगा आपका। के बॉम में से वायर निकाल लेंगे, हैंगिंग हुक से इसको उठा के ऐसे जो पानी है इसको बाहर वापसी अंदर डाल के इसको निकाल लेंगे। और ये गैस रिलीज पिन जो हमने आपको दी थी इसमें जो अब गैस बच गई है अब उसको खाली कर देंगे। जब तक हम गैस नहीं निकालेंगे तब तक ये बॉम्ब खुलेगा नहीं। ऐसे गैस पूरी निकाल देंगे अच्छे से, इसको प्रेस करके पंचर कर देंगे एक तरीके से। और अब इसको ऐसे अब ये खुल जाएगा आराम से, इसको हम खोल के चेक करेंगे कि इसके अंदर कोई ऐश वगैरह तो नहीं बची है। ये देखिए सब कुछ बर्न हो गया है, कुछ भी नहीं है, ये देखिए ये सब कुछ खाली है। जैसे हमने ये बेंजोइक एसिड से कैलिब्रेट किया है सारा प्रोसेस सेम ही रहता है अपना सैंपल टेस्ट में, ऐसे ही आपको 1 ग्राम ड्राई पाउडर फॉर्म में अपना सैंपल लेना है, उसकी फिर टैबलेट बनानी है, फिर इसके अंदर रखना है, थ्रेड और इग्निशन वायर टाई करके गैस भरनी है 400 पाउंड तक, और फिर इसको टाइट करके इसमें प्लेस कर देना है। अब फायरिंग यूनिट में सैंपल का कैसे टेस्ट करते हैं हम आपको वो आगे बताते हैं। अब ये देखिए सारा आप जब अपना पूरा सैंपल की टैबलेट बना के कोयले की कोल की ड्राई पाउडर में 1 ग्राम की टैबलेट बना के उसमें ऑक्सीजन भर के बॉम्ब को जैकेट के अंदर डिस्टिल वाटर में लगा के आगे आपको क्या करना है वो देखना है। ये देखिए इसमें सेम अब फिर दोबारा से आपको मेन्यू में जाना है। मेन्यू में जाना है आपको और टेस्ट डिटेल पे जाके एंटर करना है। और अभी वाटर इक्विवेलेंट सिलेक्शन है, अब आप इसको सैंपल टेस्ट पे सिलेक्ट कर लेंगे। लाइट भी देख लीजिए सैंपल टेस्ट की जल गई है, ठीक है। अब इसको आप एंटर करके ओके कर देंगे। अब फिर नीचे अब आपको केवल एक दूसरा इसमें फीड करना है मास ऑफ टैबलेट, आपने 1 ग्राम या जितने का भी आपने वो लिया हुआ है अपना सैंपल का वज़न कोयले की टैबलेट का वो इसमें फीड कर देना है 1 ग्राम। और बस सैंपल टेस्ट के बाद आपको इसमें और कुछ फीड नहीं करना है। वाटर इक्विवेलेंट आपका ऑलरेडी हमने निकाल चुके हैं, इसको इग्नोर करके नीचे आ जाएंगे और सीधा एग्जिट कर देंगे। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए सैंपल टेस्ट आपका सिलेक्शन है, ये लाइट जली हुई है सैंपल टेस्ट की, यहाँ पे देखिए टाइम डेट इनिशियल टेम्परेचर आ रहा है। अब आप इसको स्टेरर ऑन कर रखा है आपने, सारी चीज़ें लगा के आप इसको फायर कर सकते हैं। अब आप इसको ये बटन 2 सेकंड दबा के फायर हो गया, ये देखिए फायरिंग हुआ ही आपका। ये आपके जो स्लिप निकलेगी देखिए उसमें सैंपल टेस्ट लिखा हुआ आएगा, पहली वाली पे आपको ऊपर जब हमने निकाला था वाटर इक्विवेलेंट टेस्ट आया था, ठीक है। अब मगर हमने सैंपल आपका टेस्ट कर रहे हैं कोयले का तो ऊपर सैंपल टेस्ट सिलेक्ट हुआ है। और ये देखिए आपका ये टेम्परेचर राइज होना स्टार्ट हो गया, जितना भी आपका अच्छा टेम्परेचर राइज होगा उतना ही अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू का आपका फ्यूल है। अब ये आपके फ्यूल पर डिपेंड करता है कितना राइज होगा, ज़्यादा राइज होगा तो अच्छा कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है, कम राइज होगा तो लो कैलोरीफिक वैल्यू का फ्यूल है। अब आप इसको 1 ग्राम लेंगे, देखिए ये वाला फ्यूल जो हमने टेस्ट किया है आपका इसका मैक्सिमम राइज 2.869 तक गया है। अब हम देखते हैं इसका क्या कैलोरीफिक वैल्यू आएगा, कैसे रिजल्ट आता है।
स्क्रीन पे भी आ जाएगा और देखिए आपका प्रिंट आउट भी निकल जाएगा। अब इसका मैक्सिमम राइज 8.69 गया है, देखिए डाउन होने लगा है टेम्परेचर। ये देखिए ये आपका कलर पिक वैल्यू का रिजल्ट आ गया, इस बार सीवी 6797.9 कैलोरी पर ग्राम आया है। सैंपल में देख लीजिए 6797.9 कैलोरी पर ग्राम का आया है, या देखिए ये प्रिंट आउट में निकल गया आपका डायरेक्ट कैलोरी पर ग्राम का। ये देख लीजिए, ये देखिए, ये ऐसे ये पूरा रिपोर्ट आपका जनरेट हो गया, डेट टाइम वाटर इक्विवेलेंट कितना आपने पहले निकाला था और कैलोरीफिक वैल्यू 6797.9 कैलोरी पर ग्राम इस फ्यूल का आपका टेस्ट आ गया है, ये स्क्रीन पर भी आ गया है। ये देखिए